विधिक सहायता प्रकोष्ठ की इंचार्ज है दीपू जी, इनसे बात करते हैं। दीपू जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? हमने आज ये गोविंद जी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि इनकी माता कोणा देवी और इनकी भाभी जी परमजीत कौर की ओर से एक राशि जमा करवाई गई थी 32,000 की और 14,000 रुपये की। जब उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो उसमें इनको पता चला कि वो राशि अभी तक नहीं आई है। तो ये इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त किया और हमारी तरफ से विधिक कार्यवाही जारी की गई है। हमने बैंक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनका जो कैशियर था वो गबन के मामले में फंस चुका है और उसकी तरफ से किया गया है और बैंक की तरफ से भी आगे कार्यवाही की जा रही है और हमने भी इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त किया है और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इनको न्याय दिलवाया जाए। जल्दी आ सकी।